की वंदनीय माता जी की गुरुदेव की सिद्धाश्रम जी सिद्धाश्रम सारे परिवार की बोलो हर इसके बाद का शिविर ज्ञानेश्वर मावली अलंदी में पुणे के पास 9 नवंबर को है। 9 नवंबर को अलंदी में ज्ञानेश्वर मावली के पास 9 नवंबर को ज्ञानदात्री शिविर है। अभी एक ही मनोकामना रह गई है कि बहुत दिनों से साधनाएं कर रहे हैं लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि गुरु जी कुछ साधना सिद्ध नहीं होती प्रदक्षिण होती। हर बार ये प्रयत्न करूंगा जो आश्रम आएंगे उनको प्रत्यक्ष सिद्धि प्रदान करूंगा ये ठान लिया। क्यों ठान लिया हूं? क्योंकि मंदिर होगा काम होगा और मेरी इच्छा है कि आगे के जीवन के लिए जो आज आप देख रहे हैं आज भारत की स्थिति क्या है देख रहे हैं। अगर हम सोचे तो एक मानो में हम नपुंसक जिंदगी जी रहे हैं। हमें किसी का विरोध करने नहीं आता ना किसी को प्रेम करने नहीं आता ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। कल हमारे बच्चों का क्या होगा इसका भी हमें पता नहीं। देश के लिए कोई करने वाले नहीं ना देश के लिए कोई देखने वाले नहीं। ऐसी स्थिति में अगर हम सिद्ध नहीं होंगे तो हमारे बच्चों के लिए हम भारत को नहीं रखेंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए हमें दस महाविद्या सिद्ध करनी है। अपने आंख में देखने के लिए भी किसी शत्रु का शक्ति हो ऐसी साधना करनी है चाहे वो वीर साधना हो चाहे महाविद्या साधना हो। इस बार की चैत्र नवरात्रि साधना में आप देखा था बस अश्विन नवरात्रि की साधना में तारा साधनाएं करवाया। बहुत सारे लोग तो देखे होंगे कि अपने यूट्यूब में आया है लेकिन प्रचार करना नहीं चाहता कुछ ऐसा करके दिखाना चाहता हूँ कि मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के वचन जितने भी सिद्ध हैं और उस सिद्धि वचन को लेकर हम इस देश का पूरा नक्शा बदल देंगे और कहेंगे हम भी शक्तिवान हैं हम भी इस संसार में कुछ करके बता सकेंगे। ऐसे हमारे जीवन में सिद्धि पर साधनाएं आगे के जीवन में करना है और इस करने के लिए आप मुझे मैं भीड़ लगाना मुझे कोई पैसा कमाना ये मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरे को सिर्फ साधक चाहिए 5 पांडव चाहिए 100 कौरव नहीं। मैं युद्ध की जीत को बताऊंगा मेरे पीछे कृष्ण भगवान सद्गुरुदेव जी है। इस युद्ध को ऐसा ही जाने नहीं दूंगा। मेरी एक इच्छा है जीवन के आखिरी क्षण तक उसके लिए जीता रहूंगा जो सनातन धर्म या धर्म के लिए लड़े और इस देश के आज तक तो हमने हमारे लिए जीवन जिया है। मेरा घर अच्छा रहे मेरी बीवी अच्छी रहे मेरे बच्चे शादी हो मेरा पढ़ाई करे ऐसा कितने नहीं। हम कभी ये तो सोचें कि आगे क्या करना है। आगे करने के लिए तुम्हें वीर बनना है तुम्हें वीर साधना करनी है। हम देखते हैं वीर विक्रमादित्य वीर शिवाजी ये वीर शब्द क्यों आता है जिसको वीर सिद्धि हुई 1000 लोगों को एक आदमी खड़े रहकर उनको रोक सके उसे वीर कहा गया है। और ऐसी वीर साधना अपने आने वाले जीवन में हम करके बताएं कि हम उस गुरु के शिष्य हैं जो हम 1000 लोगों को भी एक आदमी हम खड़ा करके उसका सामना कर सकेंगे। और ये साधना करने के लिए हमें एक तो गुरु कृपा चाहिए और गुरु से सिद्धि चाहिए और गुरु कृपा होने के बाद हम इन साधनाओं को सिद्ध करके बताएं। हम ये जब तक सिद्ध नहीं करेंगे हमारे माँ बहनों की खैर नहीं हमारे घरों की हमारे सनातन धर्म की खैर नहीं है। हम इसीलिए साधना मार्ग हम कोई गन उठा के मैं मारने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ ना चाकू तलवार उठा के जाने पर हम साधना के बल पर बताएंगे। अगर वशिष्ठ महर्षि ने कामधेनु से कहते हुए उस राजा विश्वामित्र जो राजा के देवव्रत थे उनका नाम और उनको उनको बता दिया था कि वो 30,000 सैनिक लेकर वशिष्ठ के आश्रम गए थे उनको अप्सरा साधना करके उन्होंने 1 मिनट में सोने के महल में सोने चांदी की थाली में खाना खिलाया था और उनका आंख का उनका दिमाग घूम गया था देवव्रत का कि ये ऋषि झोपड़े में रहने वाला है सोने की थाली में बंगला में खिला था इसके पास क्या है। उन्होंने कहा मेरे पास कामधेनु है। क्या आज कामधेनु सिद्धि किसी के पास है कामधेनु की विद्या किसी को कोई जानता है। हम कभी भी विद्याओं के बारे में जाने ही नहीं और इन विद्याओं को जानने के लिए क्या करना चाहिए गुरु कृपा से मैं तुम्हें बताता हूँ कि कामधेनु कैसी सिद्धि होती है। और उन्होंने ये बताया था कि उस 30,000 सैनिक ने जब मुझे पता चला कि कामधेनु शक्ति है तो खींच के ले जाने गए तो वशिष्ठ ने केवल उसकी कामधेनु के दुम का एक बाल निकल कर डाला सारे सैनिक जल की खाक गए। तब कहा जो देवव्रत था उसने कहा कि धिक क्षत्रियत्वम क्षत्रियता कुछ भी काम नहीं आती ब्रह्मत्व के सामने और वो ब्रह्मत्व हम चाहते हैं हमारे गुरु जी के पास ब्रह्मास्त्र महेश्वर की शक्ति है और उस ब्रह्मात्म को उस ब्रह्मास्त्र को उस कामधेनु की सिद्धि को हम प्राप्त करें उसके लिए हम प्रयत्न करें। जब भी पुकारूंगा जो सिद्ध साधक है मेरे पास जरूर आएगा और मैं चाहता हूँ कि जीवन के आखिरी क्षण पे करके बताऊंगा कि ये साधना सिद्धि है। इस बार वंदनीय माता जी की आज क्या
गत नवरात्रि में मैंने परसों सभी को जो साधक आए थे आश्रम में ही साधना कर रहे थे उनको बताया था कि चैत्र नवरात्रि में काली और धूमावती की सिद्धि प्रदान करूंगा जो चैत्र नवरात्रि में 9 दिन मेरे पास रहकर साधना संपन्न करेंगे। ऐसा हम भीख मांगने वाली कमजोर वाली जिंदगी नहीं जिएंगे, तो ऐसा जिंदगी जिएंगे गुरु के साथ जिएंगे, शेर की जिंदगी जिएंगे और बताएंगे कि साधना में कितनी ताकत है और इस साधना के लिए जो मेरे साथ है मैं उनको लेकर चलूंगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी साधनाएं हम संपन्न करेंगे, आशीर्वाद देता हूँ और आपको कहता हूँ कि अगली चैत्र नवरात्रि को हम महाकाली और भुवनेश्वरी या धूमावती साधना सिद्ध करके बताएंगे, जिससे आप कहीं भी खड़े रहो कोई तांत्रिक मांत्रिक कोई शत्रु आपके सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ा नहीं सकेगा, ऐसी साधना संपन्न करवाएंगे चैत्र नवरात्रि में। 9 तारीख नवंबर को वहां हम अलंदी में साधना कर रहे हैं। इस बार गुरु पादुका सिद्धि दिवस बाहर मनाने की सोच रहा था लेकिन मेरे भाई जो न्यूजीलैंड है उसके भाई के बेटे की शादी 6 तारीख को है और 3 तारीख को गुरु पादुका सिद्धि दिवस है, 2 तारीख को गुरु पादुका सिद्धि दिवस है, 2 दिसंबर को, इसलिए मैंने गुरु पादुका सिद्धि दिवस आश्रम में ही मनाने की सोचा है। आप सब लोगों का आह्वान है आप आश्रम में गुरु पादुका सिद्धि दिवस के लिए। आज ये गुरु सिद्धि दिवस है जो गुरुमंडल घूमता है। गुरु पादुका सिद्धि दिवस का अर्थ होता है पादुकाओं को अपने घर में स्थापना कर उस दिन पादुकाओं को लेने से, जो दत्तात्रेय भगवान ने पहली बार कार्तिक वीराजन को देकर गुरु पादुका सिद्धि दिवस का महत्व बनाया था, बताया था और कहा था कि जिसमें चैतन्य और प्राणयुक्त पादुका जिसके घर में बैठे हैं उसके घर में साक्षात गुरु बैठा हुआ है। और यह स्थिति मैं उस गुरु पादुका सिद्धि दिवस के दिन 2 तारीख दिसंबर को आश्रम में करवाऊंगा। आपको आगे के कार्यक्रम का यह तो रूपरेखा दिया हूँ, आगे जो भी शिविर होंगे उसको भी बतलाऊंगा। जो मेरी पुकार को सुन रहे हैं जो साधक हैं वो मेरे साथ आए, मैं लेके चलूंगा, आशीर्वाद देता हूं। आप सभी को पुनः आशीर्वाद देता हूं क्योंकि अब आप सभी को साधना करवाएं। आज मैं मेरे गुरुमंडल को भी बुलाना है, मुझे 1 घंटे की साधना करनी है। आप सभी को आशीर्वाद देता हूं, प्रसाद कर आपके घर को जाए। आज सहस्त्रार्थ में स्थापित आपके गुरु आपके घर में स्थापना होंगे, जो इस यंत्र को अपने घर ले जाकर स्थापना करेगा। ఆశీర్వాద దేతాం ఈ యంత్రాన్ని ఎవరైతే ఇంటికి తీసుకొని పోయి స్థాపిస్తారు గురువు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటారు, 1 సంవత్సరం తర్వాత ఈ యంత్రాన్ని నదిలో నీళ్ళలో కానీ విసర్జన చేయగలరు। 1 సాల్ కే బాద్ ఇస్ యంత్ర కో పానీ మే విసర్జన కర్ సకెంగే। ఇస్ మంత్ర కో పునః కర్నా నహీ హై, బార్ బార్ బోల్ రహా హూ, ఈ మంత్రాన్ని మళ్ళీ చేయకూడదు, ఇస్ మంత్ర కో కర్నా నహీ హై, కేవల్ గురు సిద్ధి దివస్ కే దిన హీ కర్నా హై। ఆప్కో పునః ఆశీర్వాద దేతాం, సభీ కీ మనోకామనా మేనే జహాన్ తక్ హై మేనే పూర్ణ కీ హై। ఇస్ పర్ భీ जो गुटिकाएँ लिए प्रश्न किए हैं, जो साधनाएँ किए हैं, उन सभी को छोड़कर अगर गुरु जी हम आए हैं हमें कुछ नहीं मिला, हम खाली हाथ जा रहे हैं, जैन को काटे हैं, साधना को बुला के हमें खाली हाथ बोल रहे हैं तो वो लोग लाइन में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ ऐसा मनोकामना गुटिका, जिसने उन्हें कोई गुटिका नहीं दी कोई साधना नहीं की ऐसे लोग लाइन में आ जाओ,